सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन में डायरेक्ट इन डायरेक्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पर्सन के बारे में। कल कुछ पढ़ाया गया था आप लोग को इसके बारे में कि हमारे पर्सन्स होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे तीनों पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड जो होता है आपका थर्ड पर्सन, हमें कैसे इनको जो होता है चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। कल बताया गया था आप लोग को यहाँ पे सन लिख करके, SON सन, बट क्या लिखे थे यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3। हमने क्या बताया था इसके कितने पुत्र नरेशन के आपके यहाँ पे हैं, 123 पुत्र हैं। देखिएगा आपका यहाँ पे वन मीन्स क्या होता है, वन मीन्स होता है आपका फर्स्ट पर्सन, जो क्या होता है आपका आई और वी। इसकी चेंजिंग कैसे करते हैं हम लोग, चेंजिंग करते हैं कैसे हम लोग, अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। बताए थे आप लोग को, मान लीजिए मिल गया आपको यहाँ पे ही सेड टू मी, लिख दिया हमने फिर से यहाँ पे आई एम गोइंग देयर। ये बताया गया था कल आप लोग को, जब कभी मिल जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन आई और वी, इसकी चेंजिंग कैसे करते हैं हम लोग, चेंजिंग करते हैं आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। जब कभी भी आपका आएगा, अगर हमारा आ गया आई और भी, चेंज कैसे होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से, उसके हिसाब से। अगर आपका लिखा रहेगा यहाँ पे ही, तो हमारा इससे यहाँ पे क्या गया इनडायरेक्ट में आ जाएगा ही। अगर यहाँ लिखा गया आपका सी, इससे क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, बन जाएगा सी। अगर किसी का नाम लिखा है नाउन में, लिखा है राम, इसे बन जाएगा हमारे प्रोनाउन में ही बन जाएगा। अगर लिख दें यहीं पे सीता, इससे क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, सी बन जाएगा। इतना होता है आपका। अगर यहाँ पे फिर मिल गया आपको, लगा कभी यहाँ पे दे, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, दे का दे रहेगा। कहने का मतलब जब आपका रहेगा नाउन, तो हमारा क्या बन जाएगा उसका यहाँ पे दोनों का प्रोनाउन। अगर हमारा यहाँ पे खुद क्या दिया गया कोई प्रोनाउन, तो क्या बनता है हमारा, वो आके वो सेम यहाँ पे कॉपी हो जाता है। यू की बात लिख दीजिए यहाँ पे, अगर लिख दिया हमने यहाँ पे यू और यहाँ पे लिखा गया आपका आई, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर भी यू। कहने का मतलब कोई भी प्रोनाउन आएगा आपका, वो आकर के यहाँ पे अपना स्थान ले लेगा आपका वो, ठीक है। जैसे देखिएगा आप लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से, हमने लिख दिया सी सेड और बोल दिया यहाँ पे, देखिए हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, आई मिल गया और क्या मिल गया, मी मिल गया, माई और मिल गया हमारे यहाँ पे माइन, ये मिल गया आपको यहाँ पे चारों साथ मिल गया। आई हमारा इसमें क्या है, ये है सब्जेक्टिव केस, मी क्या है ऑब्जेक्टिव, माई क्या है पोसेसिव है, किसका हमारा है पोसेसिव, ये बताए थे आप लोग को, ये हमारा एडजेक्टिव का पोसेसिव है हमारा ये, और हमारा माइंड क्या है, ये हमारा किसका पोसेसिव आपका है, ये है प्रोनाउन का, ठीक है। तो देखिएगा जब कभी मिल गया आपको यहाँ पे आपका लगा हुआ आई है, मी है, माई है, माइन है, ये अपने हिसाब से आएगा आपका, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, नहीं तो कहाँ आएगा आपका ऑब्जेक्ट और पोसेसिव केस में आएगा आपका, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पे सब सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, ये सब कहाँ आएगा, अपने स्थान के उस हिसाब से आ जाएगा। लेकिन देखिएगा आप लोग ये सब चेंज कैसे होते हैं हमारे, ये चेंज होते हैं आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। क्या बनेगा आपका यहाँ पे, बन जाएगा जाके सीधे हमारा यहाँ पे क्या, आई का बन जाएगा देख करके इसको बना देंगे हम सी, मी का बन जाएगा देख करके हर, माई क्या बनेगा देख करके इसका बन जाएगा हर, और माइन क्या बन जाता है, बन जाता है यहाँ पे हर्ष। तो जब मिल गया आपको यहाँ पे सी मिला, यहाँ मिला आपका आई, आई से क्या बनेगा सी, मी से बन जाएगा हर, माई से बन जाएगा हर, और माइन से क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका यहाँ पे हर्ष। देखिएगा आपका ये सी क्या है,
सब्जेक्टिव केस है, ये हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है हमारा, ये हमारा हर क्या है? पोसेसिव है। किसका हमारा है? ये एडजेक्टिव का पोसेसिव हमारा है। ये हमारा हर क्या है? हाँ, ये हमारा किसका है? ये पोसेसिव प्रोनाउन का है। ये कितना हो गया हमारा? फिर देखिए कभी मिल गया आपको लगा हुआ यहाँ पे ही, और यहाँ क्या मिल गया आपको? यहाँ पे लगा हुआ फिर से वही आई मी माई माइन। ये चेंज कैसे होगा हमारा? ये क्या कर देंगे इसको हम लोग? अब चेंज कर देंगे इसको हम लोग यहाँ पे किसमें? की बन जाएगा मी, बने किसमें हमारा? ये बन जाएगा यहाँ पे हिम। माई क्या बनेगा? बन जाएगा हिज। और माइन क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका यहाँ पे हिज। कहने का मतलब जब भी मिल गया आपका यहाँ पे आई की फैमिली, चेंज किससे हो जाएगा आपका? जो सब्जेक्ट रहेगा आपका उसी के हिसाब से आपका ये चेंज हो जाएगा। आई बन जाएगा ही को देख करके ही, मी बन जाएगा देख करके ही को हिम, माई बन जाएगा हिज, और माइन बन जाएगा यहाँ पे हमारा हिज बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका ये आपका पोसेसिव है, बट किसका हमारा है? ये एडजेक्टिव है। ये किसका आपका है? प्रोनाउन का हमारा पोसेसिव है ये। फिर मान लीजिए मिल गया आपको यहाँ पे, मिल गया आपको यू, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग? आई चेंज किसने हो जाएगा? आपका बन जाएगा यू के हिसाब से, बन जाएगा यहाँ पे यू, बन जाएगा यू, बन जाएगा योर, बन जाएगा योर्स। ये आपका यू क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। और हमारा यू क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस हमारा है। ये योर क्या है? पोसेसिव है, प्रोनाउन का नहीं एडजेक्टिव का है। बताया था हमने आप लोग को जब भी कोई आपका प्रोनाउन है, मान लीजिए आपका लिखा गया यहाँ पे माई है, और आपका योर है, और आपका आवर है, अगर ये साथ में आपको मिल गया यहाँ पे डियर भी, अगर कभी ये अपने क्या डिमांड करते हैं, ये मांग लेते हैं आपके नाउन, बिना इसके क्या होते हैं ये सब? अपूर्ण होते हैं। तो उन्हें क्या मानते हैं हम लोग? उनको मानते हैं यहाँ पे हम एडजेक्टिव का पोसेसिव। ठीक है, मिल गया मान लीजिए आप लोग को लगा हुआ यहाँ पे फिर से मिल गया राम, आप क्या बनेगा हमारा? ये आई चेंज किसके हिसाब से होगा? राम, राम से क्या बन जाएगा यहाँ पे? बन जाएगा ही। देन मी बन जाएगा हिम, माई बन जाएगा हिज, और माइन बन जाएगा यहाँ पर भी हिज। कहने का मतलब चेंज कैसे होगा आपका? ये आपके ही के हिसाब से। अगर लग गया मिला आपको यहीं पे सीता मिल गया फिर से, ये क्या बन जाएगा आपका? ये कैसे बन जाएगा आपका? ये आई बन जाएगा हमारा यहाँ पे सी, मी बन जाएगा हर, माइन बन जाएगा हर, माइन नहीं आपका ये माई है, आपका आई का है, ये मी का है, ये माई का है, माइन से बन जाएगा हर्ष, इतना बन जाएगा आपका। ठीक, कभी मिल गया आपको लगा हुआ कोई अदर यहाँ मिल गया आपका दे, तो क्या होगा आपका? ये ले लेगा पूरा हमारा किसका रूप? दे का, दे का बन गया देम, दे का बन गया आपका यहाँ पे दियर, और दे का बन गया आपका यहाँ पे दियर्स। ये है कहने मतलब जब कभी भी मिल गया आपको यहाँ पे आई की फैमिली, चेंज कैसे होगा? चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होगा आपका। ठीक है, वी का थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग रूप मिल जाता है, लेकिन बता दे रहे हैं आप लोग को यहाँ पे, अगर मिल गया हमारा लगा हुआ यहीं पे क्या साथ में इसके, मिल गया आपको लगा हुआ यहाँ पे वी है, अस है, आवर है, और आवर्स है। ठीक है, अब देखिएगा हमारा वी का क्या बन जाता है, वी का डिफॉल्ट रूप क्या है? बन जाता है पूरा आपका यहाँ पे दे की फैमिली। दे कब बन जाता है? जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर लिखा गया सेंटेंस राम सेड वी आर गोइंग टू आगरा। राम ने क्या कहा? हम आगरा जा रहे हैं। देखिएगा ये जब आपका वी है क्या बोलता है? जब बोलता है वी कि हम कोई काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और क्या होगा जब काम के साथ में आपका ये सब्जेक्ट भी रहेगा काम करने में, तो क्या बन जाएगा आपका? ये वी का हमारा वी ही रहेगा।
जब आपका सब्जेक्ट जो बोलने वाला है साथ में काम करता, जो काम होगा आपका यहाँ पे, तो वी का वी रहेगा। लेकिन जब ये काम नहीं करेगा साथ में तो क्या बन जाएगा आपका वहाँ पे, वो बन जाएगा हमारा वहाँ पे दे की फैमिली के हिसाब से। ठीक है, जैसे देखिए लिखा गया आपका यहाँ पे, लिख दिया हमने कहा ही सेड, वी सेड, ही सेड लिखा आपका, वी सेलिब्रेट, नीचे लिख दें यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में, यहाँ पे ये वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त, ये है आपका। ठीक, यहाँ क्या बोल रहा है आपका, देखिएगा आपका वी क्या कह रहा है, मनाने कह रहा है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिएगा हमारा क्या, ये आपका एक नेशनल फेस्टिवल है, तो क्या होता है ये मनाते हैं सभी लोग साथ में ना। तो हमने बोला जब आपका स्पीकर जो होता है, जब कोई बात बोलता है हमारा यहाँ मिल जाता है वी, जब जो हमारा काम हो रहा उसके साथ में अगर हमारा ही भी रहता है तो वहाँ क्या मानते हैं हम, वी को वी में चेंज कर देते हैं। अगर आपका ये साथ में नहीं रहता है काम के, तो चेंज किस में करते हैं उसको, हम लोग करते हैं उसको चेंज हम लोग दे में। इतना इसका होता है, थोड़ा सा एक खास चीज़ है, यहाँ थोड़ा समझना रहेगा आपको इसकी मीनिंग के बारे में, कि मीनिंग हमारा क्या दिखा रहा है, क्या आपका ये सब्जेक्ट साथ में इसके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इतना थोड़ा देखना पड़ेगा आपका। जब काम करेगा तो क्या होगा हमारा, ये वी का वी आएगा। जैसे आपने बोल दिया कि हम कल आगरा जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू आगरा। अगर आप भी जा रहे हैं, जो आप बोलने वाले हैं, तो वहाँ रहेगा आपका वी। अगर आप नहीं जाते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं कि कोई और जा रहा है, हम नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ क्या बन जाएगा आपका, दे। देखो वी मीन्स क्या हो गया, हम जा रहे हैं, दे मीन्स क्या हो गया, वे लोग जा रहे हैं, इसमें हम शामिल नहीं हैं, तो उसका बन जाता हमारा वहाँ पे दे। अगर शामिल बन जाता हमारा वहाँ पे, उसका वी बन जाएगा। ठीक है, इतना होता आपका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन पे। देखिएगा जैसे लिखा गया आपका यहाँ पे, बोल रहा है आपका, लिखा गया यहाँ पे सेकेंड, ये देखिए आपका सेकेंड मीन्स क्या होगा, टू मीन्स, ये बोलता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन जो हमारा कौन होता है, होता है यू, या होता है यू की पूरी फैमिली, यू है। दोबारा आपका यू ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, योर आता है, योर्स आता है। ये चेंज कैसे होता है, चेंज होता है आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, राम सेड टू मी, यू आर अ गुड बॉय, ये बोल दिया। तो जब कभी मिल गया आपको यहाँ पे सेकेंड पर्सन, आपका यू चेंज कैसे होगा, चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से। ठीक है, अब थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया, यू की पूरी फैमिली आ गई, लिख दिया हमने यहाँ पे यू है, फिर आ गया आपका यहाँ पे यू है, और आ गया यहाँ पे योर है, और फिर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, आ गया योर्स, ये आ गया। तो जब कभी मिलेगा आपको यू, चेंज कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। देखिएगा आपका यहाँ पे किस केस में आपका ये ऑब्जेक्ट, ये किस केस में हमारा है, ये सब्जेक्ट है, ये किस में हमारा है, ये ऑब्जेक्ट, ये किस में हमारा है, ये पोसेसिव, ये किस में आपका है, ये पोसेसिव, ये किसका हमारा है, ये एडजेक्टिव का, ये किसका आपका है, ये हमारा है प्रोनाउन का। ठीक है, इतना आपका है ये। ठीक है, अभी देखिएगा आप लोग यहाँ पे, अब मान लीजिए लिखा गया आपका यहाँ पे मी है, तो बताइएगा आपका ये यू चेंज किस में होगा, सब्जेक्टिव के से बन जाएगा आपका आई। पूरा का पूरा क्या हो गया, खुद को एकदम बदल दिया, एकदम स्वरूप आपका किसका रूप ले लिया, इस मी के फैमिली का। तो यू क्या बन गया आपका, आई बन गया। अब दूसरा हमारा यू क्या बन जाएगा यहाँ पे, मी।
सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, और हमारा दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। देन क्या बन गया हमारा यहाँ पे, बन गया माई, बन गया माइन, ये हो गया आपका। तो यू क्या करेगा, ले लेगा इसके पूरे ऑब्जेक्ट का रूप। मान लीजिए आपको मिल गया यहीं पे लगा हुआ हिम, यहाँ लिखा गया हमारा मान लीजिएगा आप लोग हिम, अब क्या होगा आपका यू चेंज किस में होगा, यू चेंज किस में हो जाएगा आपका, सब्जेक्टिव है तो ही, ऑब्जेक्टिव है तो हिम, पोसेसिव है तो यहाँ बन जाएगा हिज, दूसरा बन जाएगा आपका यहाँ पर हिज, ये बन जाएगा। अगर यहीं मिल गया आपको लगा हुआ हर, तो क्या बन जाएगा आपका ये सी, ये बन जाएगा हर, ये बन जाएगा हर, ये बन जाएगा आपका हर्ष। अगर यहीं मिल गया लगा हुआ आपको देम, क्या बन जाएगा आपका ये, बन जाएगा दे, बन जाएगा आपका देम, और बन जाएगा यहाँ पे दियर बन जाएगा, और बन जाएगा यहाँ पे दियर्स बन जाएगा। अगर ये मिल गया लगा हुआ आपको एस, ये क्या बन जाएगा वी एस आवर, और बन जाएगा आवर्स। यदि यहीं किसी का नाम आ गया सिंगुलर में लिख दिया हमने मोहन, ये क्या बन जाएगा आपका, ये ले लेगा पूरा किसका रूप हमारा, ले लेगा ये आपका रूप हिम का बन लेगा वो। अगर लिख दिया हमने फिर से लिख दिया शीला, ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा पूरा का पूरा आपके यहाँ पे ले लेगा हर का रूप। इतना चेंजिंग होता है आपका यहाँ पे यू को लेकर के। अगर यहीं मिल गया आपको यहाँ पे यू, तो क्या करेंगे, यू में कोई चेंजिंग नहीं, क्या रहेगा आपका ये सेम अपनी फैमिली के हिसाब से वो रहेगा ये। तो ये चेंजिंग करते हैं हम यहाँ पे सेकेंड पर्सन के बारे में, ठीक है। हमारा थर्ड क्या यहाँ पे लिखा गया है, आपका थर्ड पर्सन है, ये क्या होता है आपका थर्ड पर्सन, ये होता आपका, पहले जानेंगे हम लोग होता क्या है, ये होता आपका प्रोनाउन में ही सी इट दे, और साथ में इसके आ जाता है नाउन भी, ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, इनका मतलब होता है नो चेंज। जब कभी भी मिल गया आपको यहाँ पे लगा हुआ थर्ड पर्सन, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई चेंजिंग नहीं करते हो किसी भी केस में, क्या करते हैं उनको हम लोग वहाँ पे सेम कॉपी कर देते हैं। तो ये था थोड़ा पर्सन के बारे में आपके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा हम लोग, जो होता है आपका टाइम प्लेस पोजीशन, जिससे कि टेंस हम लोग लगातार प्रत्यागे से निकल जाएं, ठीक है। तो लिखते हैं पहले हम लोग यहाँ पे, टाइम है, प्लेस है, और पोजीशन है, पोजीशन ये है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे इसका हम लोग डायरेक्ट, और लिख देंगे यहाँ पे सामने इसका हम लोग इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे देखिए लिखा गया आपका यहाँ पे दिस, दिस क्या बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट में, बन जाएगा दैट। लिखा आपका यहीं पे दीज, ये क्या बन जाएगा आपका दोज। यहीं लिख दिया हमने कहा, क्या लिखा गया है, लिख दिया नाउ, ये बनेगा हमारा यहाँ पे देन। लिखा गया आपका यहाँ पे एगो, एगो होता है ना, ये बनेगा आपका बी फोर बन जाएगा। और यहीं क्या मिल गया आपको लगा हुआ, मिल गया आपका टुडे, ये बन जाएगा दैट डे। मिल गया यहाँ पे लगा हुआ टू नाइट, बन जाएगा दैट नाइट। और यहाँ क्या मिल गया आपको लगा हुआ, मिल गया यस्टरडे, ये चेंज किस में होता है, द प्रीवियस डे। या क्या बनता है हमारा, बनता है द डे बिफोर बन जाता है, द डे बिफोर, ये बन जाता है आपका यहाँ पे। अगर मिल गया लगा हुआ आपको यहीं पे आपका टुमारो, ये बन जाता है हमारा द नेक्स्ट डे, या बन जाता है द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। अगर यहीं मिल गया आपको लगा वहीं पे हिथर,
ये बन जाता है तिथर। इस प्रकार से उस प्रकार से इसके मीनिंग आते हैं, ठीक है। अगर ये मिल गया लगा हुआ आपको हेयर, ये बन जाएगा देयर। तो ये कुछ बेसिक आपके यहाँ पे बता दिए गए, अभी आपके इसमें और भी हैं, लेकिन पहले इतना थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं हमारा चेंजिंग कैसे ये हो जाता है। देखिएगा हमारा दिस क्या बनेगा, दैट। दिस क्या बन जाएगा, दोज। नाउ बन जाएगा आपका देन। एगो बनेगा आपका बिफोर। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है आपका, ये कहीं गलती से पलट ना दिया गया हो, थोड़ा उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। टुडे क्या बनेगा, दैट डे। फिर क्या बनेगा हमारा, टू नाइट। बन जाएगा यहाँ पे हमारा दैट नाइट। हमारा बनेगा स्टरडे, क्या बन जाएगा, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। देन हमारा क्या लिखा गया आपको यहाँ पे, टुमारो क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे। क्या बन जाएगा हमारा, द फॉलोइंग डे। और क्या लिखा गया आपका यहाँ पे, हिथर बन जाएगा तिथर, हियर बन जाएगा आपका देयर। तो ये चेंज करना होता है हमारा क्या क्या यहाँ पे, समय चेंज करना, स्थान चेंज करना, और इसकी क्या चेंज करना, स्थिति मीन्स पोजीशन, ठीक है। अगर देखेंगे हम लोग, देखें हमारा क्या दिखा रहा है, इतना ये समय दिखा रहा है आपका, प्लस क्या दिखा रहा है आपका यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है हमारा, ये सब थोड़ा क्या दिखा रहा है हमारा, ये सब दिखा रहा है प्लेस एंड पोजीशन दिखा रहा आपका। तो ये होता है आपका टाइम, प्लेस और पोजीशन चेंज करना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में, छोड़ दे थोड़ा टाइम के लिए, क्या लिखेंगे इसको, लिख लो इसी का। देखिएगा इसमें थोड़ा सा आपका और होता है, ऐसा लिख दिया हमने कहा यहाँ पे हेंस, बन जाता है इसका यहाँ पे डेंस। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, होती है इसकी मीनिंग इसलिए या उस लिए, ठीक है। और क्या आती है मीनिंग, कभी कभी आती है इसकी इस प्रकार से भी, उस प्रकार से भी। जैसे लिख दिया हमने, कह दिया यहाँ पे लास्ट, लास्ट डे लिखा गया है, लास्ट मंथ कुछ भी लिखा गया, हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है द प्रीवियस, द प्रीवियस डे है, मंथ है, जो कुछ भी रहेगा उसको यहाँ पे साथ में इसके हम कॉपी कर देंगे। कभी कभी क्या आता है आपका, डायरेक्ट में आता है हमारा द नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया आपका, डे आ गया, वीक आ गया, मंथ आ गया, हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है द फॉलोइंग, द फॉलोइंग करके हमारा जो वर्ड रहेगा यहीं पे आएगा, द फॉलोइंग डे है, मंथ है, वीक है, ईयर है, कुछ भी रहेगा आपका यहाँ पे। और एक हमारा इसमें क्या होता है, होता हमारा दस, दस बन जाता है हमारा यहाँ पे सो। इतने आपके बेसिक होते हैं टाइम, प्लेस एंड पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टेंस के बारे में यहाँ पे। टेंस लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिएगा हमको यहाँ पे तीनों टेंस जो है मिलेगा चेंज करने के लिए, मिलेगा आपका प्रेजेंट टेंस, मिल जाएगा पास्ट टेंस, और मिल जाएगा आपका फ्यूचर टेंस भी, फ्यूचर टेंस, ठीक। तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसका पहला आपका रूल क्या होता है, ये बोलता है जब कभी भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आएगा तो क्या होगा, आपका जो आपका रिपोर्टेड स्पीच रहेगा उसका टेंस कोई भी रूप लेता नहीं है, कहने मतलब उसका टेंस बदलता नहीं है। लिख दें थोड़ा इसके बारे में, कह रहा है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या आपका होगा फ्यूचर टेंस में, तो जो आपका रिपोर्टेड जो स्पीच का आपका टेंस होगा इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना होता है, ये बदलता हमारा नहीं है। जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे एग्जांपल में, लिख दिया हमने कहा ही सेज राम इज आ डॉक्टर। राम क्या है, एक डॉक्टर है, देख लीजिए आप लोग, ये है आपका। कह रहा है जब भी आपको मिल गया रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स आपको इसमें मिल गया, क्या मिल गया आपका टेंस मिल गया प्रेजेंट या फ्यूचर, तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा स्पीच का टेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं।
जैसे देखिए कभी मिल गया लगा हुआ आपको यहाँ पे से मिल गया लगा हुआ आपको यहाँ पे सेज मिल गया, लगा मिल गया आपको यहाँ पे हैज और हैव, साथ मिल गया आपको यहाँ पे सेड, और कभी मिल गया आपको यहीं पे लगा हुआ विल बी या मिल गया शैल बी सेइंग करके आ गया। ठीक है, देखिएगा क्या दिखाता आपका, इतना ये दिखाता आपका प्रेजेंट टेंस, इतना क्या दिखाता आपका ये फ्यूचर टेंस। तो जब कभी मिल गया आपको यहाँ पे से है, सेज है, हैज है, सेड करके आता है, यह हमारा आता है विल या शैल बी प्लस साथ में आता है सेइंग करके, तो क्या करते हैं हम लोग जो हमारा टेंस होता है स्पीच में क्या करते हैं इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है, बताया जाएगा आपको उसके आगे अभी। ठीक, इसका देखिए कैसे बनेगा आपका इनडायरेक्ट रूप, ये है इसका डायरेक्ट, बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट हमारा किस प्रकार से, पहले क्या आएगा आपका यहाँ पे ही, फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे वर्ब आएगा सेज। ठीक, अथवा डाल लीजिएगा आप लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा आपका इसमें कंजंक्शन यहाँ पे असर्टिव में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे दैट, फिर क्या होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा नाउन राम, फिर हमारा क्या इसमें तुरंत आएगा इज बनेगा आपकी वॉज आएगा इज, देन क्या आएगा आ डॉक्टर, ये है। तो जब कभी भी आपका सेंटेंस किसमें है असर्टिव में, तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे कंजक्शन लगा देंगे हम लोग यहाँ पे दैट। कंजक्शन क्या होता है हमारा, जो सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ने का काम करता है, दो फ्रेज को दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है आपका ये। ठीक है, जैसे लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे लिख दिया राम हैज सेड, मोहन इज अ थीप, मोहन क्या है एक चोर है, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चेंज कैसे होगा आपका, ये बन जाएगा इनडायरेक्ट में राम हैज सेड, कंजक्शन दैट आएगा, फिर क्या होगा आपका यहाँ पे मोहन इज का इज करेंगे यहाँ पे हम आ थीप, ये बन जाएगा आपका इसका इनडायरेक्ट रूप। कभी कभी क्या होता है हमारा डायरेक्ट में क्या मिल जाता है आपको, मिल जाता है साथ में इसके मिलेगा आपका से टू, मिल जाएगा सेज टू, और क्या मिल जाएगा हमारे यहाँ पे सेट टू, इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाता है हमारा देखिएगा आपका से टू क्या बन जाता है, बन जाएगा इनडायरेक्ट में यहाँ पे टेल। ठीक है, सेज क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे बन जाएगा टेल्स, और नीचे क्या बन जाएगा आपका सेट टू बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टोल्ड। ठीक, तो ये देख लीजिएगा आपको ये मिलेगा आपको डायरेक्ट में, इसका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे बन जाएगा सेट टू का टेल, सेज टू बन जाएगा आपका यहाँ पे टेल्स, और आपका सेट टू क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे टोल्ड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, लिखा गया है राहुल सेज टू मी, मोहन लिख देंगे मोहित वॉज देयर, मोहित वहाँ था, ये बन गया आपका यहाँ पे। कैसे बनेगा वहाँ देखिएगा आप लोग इनडायरेक्ट, इसका क्या बन जाएगा आएगा राहुल, फिर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे सेज टू बन जाएगा यहाँ पे ये टेल्स, उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा कंजक्शन दैट, फिर क्या करेंगे लिखेंगे इसका हम स्पीच का पार्ट यहाँ पे सेम कॉपी कर देंगे, लिख देंगे मोहित वॉज देयर। ठीक, फिर लिख दिया हमने यहाँ पे कह दिया, लिखा है दे से टू अस वी आर विद राहुल,
उसने क्या बोल दिया, हम राहुल के साथ हैं। कैसे बनेगा आपका ये दे, हमारा सेट टू चेंज किस में हो जाएगा, आएगा टेल, फिर हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा अस, कंजक्शन क्या आएगा आपका दैट। अब बताइए हमारा वी क्या बन जाएगा यहाँ पे, वी का वी करेंगे दे कर देंगे हम लोग, जब यहाँ पे दे है तो वहाँ पे दे हम कॉपी कर देंगे उसको यहाँ पे, ठीक है कर देंगे दे। फिर हमारा क्या आएगा टेंस, यहाँ पे टेंस आपका चेंज होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा देखिएगा हमारा यहाँ पर वर्ब क्या है अभी ये प्रेजेंट रहेगा तो हमारा चेंज ये नहीं होगा। आर का आर कर देंगे, लिख देंगे विद राहुल। तो ये हो गया हमारा आज का बेसिक जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हमने इसमें बात कर ली, कल बात करेंगे इसके थोड़ा से हम लोग आगे। इतना ही आज के लिए, दैट्स ऑल।